नमस्कार, वीडीटीवी भारत के कोरोना विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमसे बात करेंगे राजस्थान के वरिष्ठ राजनेता, महान राजनीतिज्ञ श्री शांति धारीवाल जी। आप आवासन, स्वायत्त शासन और संसदीय कार्य मंत्री हैं और हम सब जानते हैं किस तरह से पूरा विभाग, पूरी सरकार कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एकजुट है। आइए जानते हैं शांति धारीवाल जी से किस तरह से उनका विभाग कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। शांति जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जब देश में कोरोना का की शुरुआत हुई थी तो हमने तो उसी वक्त इस बात को बहुत गंभीरता से लिया था और मुझे याद है अच्छी तरह से कि 13 मार्च से ही हमने ये आदेश जारी प्रसारित कर दिया था। जितनी भी नगर निकाय हैं, चाहे पालिकाएँ हैं, चाहे परिषद हैं, चाहे आपका नगर निगम है वगैरह वगैरह, जितने भी शहरी क्षेत्र हैं वहाँ के नगर वहाँ के प्रशासन को हमने ये स्ट्रिक्टली ये ऑर्डर पास कर दिया था कि सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया जाए। और सैनिटाइजेशन के लिए कोटा में जो DCM की फैक्ट्री है, जो कि सोडियम क्लोराइड बनाती है, उसको पाबंद कर दिया था इस बात के लिए कि जितना भी प्रोडक्ट आप बनाएंगे वो सारा का सारा नगर निकायों को देंगे, ताकि नगर निकाय जो है उससे सोडियम उस सोडियम से जो है वो सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर, आज तक लगातार वो सैनिटाइजेशन का काम जो है किया जा रहा है। इसके अलावा भी सफाई मजदूरों के लिए हमने 1,000 रुपया प्रति, जो भी नगर पालिका का कर्मचारी है किसी भी स्तर का हो, सफाई खास तौर पर सफाई कर्मचारी से लेकर के सारे स्तर, उनको 1,000 रुपया उनके खाते में इसीलिए डाला कि वो सैनिटाइजेशन के वो सैनिटाइजेशन करवाने के लिए जो भी उपकरण उनको चाहिए या किसी भी तरीके का मास्क वगैरह चाहिए तो वो भी ले सके। मतलब हर तरह से हमने इस बात का प्रयास किया है कि ये चीज़ जो है वो जो कोरोना का जो प्रसार जो है वो किस प्रकार से रुके, उन सब उपायों को जो है हमने नगर निगम को पाबंद किया है। और नगर निगम, नगर पालिकाएँ, नगर परिषदें वगैरह, उन्होंने काफ़ी कुछ लंबे क्षेत्र में जहाँ जहाँ पर भी इफेक्ट इसका आ गया था और जहाँ नहीं आया था वहाँ पर भी उन्होंने काम करने की कोशिश करी है। और मैं समझता हूँ कि मैं उस जो कार्य नगर निकायों के द्वारा किया गया है, निश्चित तौर पर उसका एक बहुत बड़ा परिणाम यह आया है कि राजस्थान में जो है इतने केसेस नहीं बढ़ पाए। जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक टाइम था जब राजस्थान में बिल्कुल केसेस नहीं थे, फिर भीलवाड़ा हुआ और भीलवाड़ा में कितने युद्ध स्तर पर कार्य किया गया और आज राजस्थान जो है अपने आप में एक रोल मॉडल बन गया है, आपका क्या कहना है? ये तो मेडिकल वालों की और प्रशासन की जिम्मेदारी थी और उन्होंने बेखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करी है। हमने तो नगर निकायों के द्वारा जो कुछ संभव हो सकता था उस काम को करवाने का काम भी किया और अभी भी कर रहे हैं। तो अब ये मैं समझता हूँ कि इसको राजस्थान में तो जल्दी से जल्दी कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो लोग केसेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं स्क्रीनिंग से। अगर हम स्क्रीनिंग नहीं करेंगे तो केसेस नहीं आएंगे, स्क्रीनिंग करेंगे तो केसेस डेफिनेटली आएंगे, और केसेस आएंगे तो वो क्योर भी हो सकते हैं, उनको ठीक भी हो सकते हैं ऐसे केसेस, क्योंकि रैपिड एंटीबॉडी जो टेस्ट होता है उसी से ये पता लगता है कि इम्यूनिटी जो है आपकी, उसको जो पॉजिटिव आया है आदमी, जो वायरस उसके अंदर आया है उससे लड़ सकता है या उसको कब्जे में ले सकता है, काबू में ले सकता है। तो इसलिए ये टेस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, टेस्ट नहीं करवाएंगे पता नहीं लगेगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने खास तौर पर यह बात कही है कि पूरे टेस्टिंग वगैरह का सारा के सारे किट्स अवेलेबल करवाए हैं और आदेश जारी किया है सबको कि मैक्सिमम जो है वो स्क्रीनिंग करी जाए और रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट ये सब पर किया जाए। यही परिणाम है कि चाहे जयपुर का रामगंज बाजार हो, कोटा का मकबरा और तेलघर का इलाका हो, या जहाँ जहाँ पर भी जो ऐसे पॉकेट्स बने हुए हैं जहाँ पर ये कोरोना की जो है ज़्यादा संख्या पॉजिटिव की ज़्यादा संख्या पाई जाती है, उनको कंट्रोल करने के लिए घर घर जाकर के जो लोग काम कर रहे हैं निश्चित तौर पर प्रशंसनीय कार्य है। जी, अगर हम बात करें जो यहाँ महाकर्फ्यू लगा हुआ है वहाँ पर किस तरह के प्रशासन द्वारा, आपके विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है? तो जो का आदेश दिए गए हैं, चाहे वो पुलिस को दिए गए हैं, चाहे वो प्रशासन के को दिए गए हैं, नगर निकायों को दिए गए हैं, उसकी पालना की जा रही है और मैं समझता हूँ कि काफ़ी कुछ कंट्रोल है।
अगर हम बात करें कोटा की, तो 64 केस ही आए थे और वो हमारे लिए और आपकी सरकार के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि स्टेज 3 जो कम्युनिटी स्टेज वाली होती है वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। इस सबका श्रेय सरकार को जाता है, आपकी स्ट्रैटेजीज को जाता है, आपकी रणनीति को आगे के लिए क्या सोचा है? स्क्रीनिंग की वजह से 64 केसेज आए हैं। अगर स्क्रीनिंग नहीं होती तो पता ही नहीं लगता कि 64 केसेज आए नहीं आए। वो लोग थर्ड वो लास्ट स्टेज पर पहुँच जाते और मौत हो जाती, लेकिन उनको बचाने के लिए ही ये स्क्रीनिंग करके तो 64 केसेस सामने आए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अभी तक तो मौत तो सिर्फ एक ही आदमी की हुई है वहाँ पर, क्या समझे, काफ़ी कुछ ठीक हो जाएगा, बचेंगे लोग बाग स्क्रीनिंग से। जी शांति जी, आप हमारे दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे, किस तरह से वे अपने आप को स्वस्थ? मैं अपील ये करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार के प्रतिबंध सरकार के द्वारा लगाए गए हैं लॉकडाउन के अंदर, उसकी अक्षरत पालना की जानी चाहिए। और जनता अगर सहयोग देगी सरकार को तो निश्चित तौर पर जो है हम इसमें सफल रहेंगे। और मैं आशा करता हूं कि अनुशासन रखते हुए जनता जो है अभी तक जो जिस प्रकार का सहयोग जनता के द्वारा मिल रहा है तो उससे जो है इस बीमारी पर काबू किया जा सकता है। जी शांति जी, VDTV भारत से बात करने के लिए और अपना अमूल्य समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।